मैं आपको एक चीज बता दूं सर, जमाना जब भी आगे की तरफ जाता रहता है तो एक से एक आविष्कार होते रहते हैं। पहले एक आता था कैसेट लगती थी, उसके बाद सीडी आई है, उसके बाद फिर ये चिप में काम हो गया है, उसके बाद पहले केबल के तार लगती थी, बिना केबल के तार के काम हो जाता है अब। तो जब भी ये जमाना आगे की तरफ जाएगा और नई नई चीजें इस दुनिया में आएंगी और उसको लाने का काम कोई अलग इंसान ही करता है, उसका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क का सर मैं आपको बता दूं, ये अपने में अलग ही एक इनके अंदर हिसाब है, जो रिस्क लेने में ज़्यादा माना जाता है सर। इन्होंने ऐसे ऐसे काम अपनी ज़िंदगी में कर दिए हैं, शायद ही कोई उस काम को करने के लिए कभी तैयार होगा। इन्होंने सब कुछ बेच बाज कर, अपना घर घुर बेच बाज के भी अपने प्रोजेक्टों में काम किया है और उसमें वो उन्होंने सक्सेस होकर दिखाया है। आजकल क्यों टेलीकॉम सेक्टर की नींद उड़ रही है, जहाँ जियो फाइबर आ गया है और एयरटेल और वीआई भी कुछ 5G लाने की तकनीक में लगे हुए हैं, तो वहीं पर इंडिया में एलन मस्क ने जो एंट्री करने का मन बनाया है वो एंट्री सर हिला देगी सबको, क्योंकि आगे आने वाला जमाना इंटरनेट का है और एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, उसका जो दावा है सैटेलाइट के द्वारा, जो आपकी छतरी होती है घर में, जैसे आपके घर में टाटा स्काई होगी छतरी लगी होती है सर, आप जियो फाइबर सर जगह जगह नहीं लगा सकते, गांव तक नहीं है कभी कब कब पहुंचेगा, लेकिन जो छतरी होती है सर टाटा स्काई, अगर आपने पहाड़ों में लगा लो वहां पर भी आपका चल जाएगा। तो इसी तरह से इन्होंने एक इंटरनेट की एक सुविधा देने का एक योजना बनाई है जो सीधा सैटेलाइट से आपके घर में आएगी और स्पीड उसकी सर 1 Gbps की आ रही है, यानी कि 1 GB/s की सर। तो ध्यान रखिए सर, ये जमाना जब भी उनका आएगा इंडिया में, टेलीकॉम सेक्टर की नींद उड़ा देगा, इस बात को आप ध्यान रखना। जब तक कि आपने इस बात को ध्यान नहीं रखा तो समझ लीजिए सर, आपने कुछ भी ध्यान नहीं रखा। तो